कैसे आप लोग सब? आज डिस्कस करेंगे सबलेट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें से एक पार्ट टू है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सबलेट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसको है, क्या है, इसका बेसिक क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा सबलेट वर्ब एग्रीमेंट का बनेगा वो रूल वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबलेट वर्ब एग्रीमेंट के एटलीस्ट 20 to 25 रूल्स है ना, और वो सभी रूल्स को हमको वन बाय वन पढ़ना है। तो आज फर्स्ट रूल हम जो लिखे हैं और हम लोग रूल के साथ साथ एग्जाम्पल भी पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है। क्या है लिखा है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज, समझना है। ठीक है, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश में आप लोग को लिखना, समझने में थोड़ा आसान होगा, हम हिंदी बता देंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज यानी कि इज सिंगुलर नाउन देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर यदि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर यदि क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो क्या कह रहा है, सिंगुलर वर्ब इज यूज, यानी कि उसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मोहन, अभी बताना ये सिंगुलर है या प्लुरल है। सिंगुलर है तो हम मोहन इज या आर अ बॉय क्या होगा, मोहन सिंगुलर है तो कह रहा सब, ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा क्या है, मोहन है, तो कह रहा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो ये मेरा सिंगुलर है, तो वर्ब भी जो होगा ना वो क्या होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। तो यहाँ वर्ब मेरा इज हो रहा है, तो आर जो है वो प्लुरल है और इज जो क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सही क्या होगा, सही होगा इज ना कि आर। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक और देखते हैं। ठीक है, ही वाज या वर गोइंग, ही आई बताना है ही सिंगुलर या प्लुरल, सिंगुलर है तो ही के साथ क्या होगा, वाज होगा या वर होगा, वर प्लुरल इसलिए वर नहीं, वाज सिंगुलर इसलिए क्या होगा, वाज, यानी कि वर क्या है, गलत है, और वाज जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ये पहला रूल समझ में आया, अभी इसका हम लोग सेकेंड रूल लिखते हैं। ठीक है, टू अब यहाँ पे देखना है सेकंड रूल नंबर हम सेकंड लिखे। ठीक है, क्या लिखे, कह रहा है कि इफ टू सिंगुलर नाउन इज कनेक्टेड विद एंड, दो सिंगुलर नाउन रहेगा, एक वचन का दो नाउन रहेगा और जुड़ा रहेगा किससे, एंड से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, वर्ब प्लुरल वर्ब इज यूज, तो क्या होगा वहां पे प्लुरल वर्ब, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, लिखे एक सेंटेंस, मोहन एंड सोहन, अभी बताना है मोहन एक नाउन है सिंगुलर नाउन, सोहन एक सिंगुलर नाउन है, तो ये दोनों नाउन है जो किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, तो कह रहा प्लुरल वर्ब होगा। अब बताना है इज या आर अ स्टूडेंट या स्टूडेंट, दो चीज लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बताना है क्या होगा, इज होगा या आर होगा, रूल कह रहा है कि प्लुरल वर्ब यूज होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इज सिंगुलर, तो इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब बताना है नाउन जो है, जब ये दोनों प्लुरल है तो इधर का जो नाउन आता है वो भी क्या होता है, प्लुरल होता है, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, ये डॉग एंड ये कैट इज या आर एनिमल, एनिमल्स। अब बताना है क्या होगा, ये डॉग एंड ए कैट, ये एक नाउन है और ये एक नाउन है और ये कनेक्ट है एंड से, तो जब दो नाउन सिंगुलर नाउन, ये भी एक है ये भी एक है, दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट रहेगा तो प्लुरल हो जाता है, तो भर भी क्या होगा, प्लुरल होगा, यानी कि यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों रूल समझ में आया, अभी हम लोग इसका थर्ड रूल देखते हैं। ठीक है, ओके, अभी ये मेरा रूल नंबर थर्ड है। आप देखिए एक चीज है, आप हम जितना सारा रूल लिखते जा रहे हैं ना, सबको कॉपी में रूल को नोट करते जाना है और उसको लिखते जाना है। ठीक है, क्योंकि रूल जब तक नोट नहीं होगा तब तक फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कॉपी में सबको रूल्स भी नोट करना और जिस तरह से हम एग्जांपल लिखते हैं वैसे एग्जांपल्स को भी नोट करना है। ठीक है, नोट करके सबको भेजना है। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ टू प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद एंड, इसके पहले क्या था, दो नाउन, और हम लोग जानते हैं प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो नाउन के प्लेस पे होता है वही होता है ना, कि नाउन के जगह पे जो आता है
उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है, टू प्रोनाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, अगर ये दो प्रोनाउन एंड से कनेक्ट है तो प्लुरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, मान लेते हैं, एक देखना ये बहुत कंफ्यूजन है और जब भरने के लिए आएगा तो सबको मिस्टेक करता है। क्या है, यू एंड आई डैश, ठीक है, अभी डैश टू प्ले, कुछ भी इधर लिख देते क्रिकेट, ठीक है, समझना है। एक यहां यू, एक नाउन हो गया, दूसरा यहां हो गया क्या, आई, सॉरी प्रोनाउन है और दूसरा आई। अब एक ये प्रोनाउन और एक ये प्रोनाउन, दो प्रोनाउन है, कनेक्ट है किसके साथ, एंड के साथ। तो अब जब ये दोनों मिल करके एंड के साथ कनेक्ट हो गया तो क्या कह रहा है, प्लुरल वर्ब इज यूज। अब एक चीज ध्यान देना, वर्ब कह रहा है प्लुरल, हम तुम ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, वो बोलेगा क्या होगा, एम होगा या आर होगा, क्या होगा, एम होगा या आर होगा। आप देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्या होता है कि मान लेते हैं यू एंड आई लिख देंगे, यहाँ पर डैश दे देंगे और गोइंग टू क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, गोइंग टू प्ले क्रिकेट लिख देंगे और ऑप्शन दे देंगे यही दोनों। अब क्या भरेगा, यू के अनुसार से आर तो लगता है तो लगेगा आर सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है आई, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो यहाँ लगेगा एम भी सही है, तो फिर सही होगा कौन। तो इसीलिए कहते हैं कि रूल को देखो, रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि टू प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद एंड, अगर एंड से कनेक्ट है तो जो प्लुरल वहां पे जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, प्लुरल होगा। तो एम जो है वो सिंगुलर है और आर जो है वो क्या है, प्लुरल है। तो यहाँ पे ये एम जो मेरा वो गलत हो जाएगा और आर जो होगा वो क्या होगा, सही होगा, यानी कि यू एंड आई आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यू एंड ही डैश डन दिस वर्क, दिए ऑप्शन हैज और हैव, अब बताना है क्या होगा। सेम चीज जो हम यहां बोले वही भी यहां, यहां यू और ही कनेक्ट है एंड से, ठीक है, तो एंड से कनेक्ट होगा तो भर क्या होगा, प्लुरल होगा। अब यहां बताना हैज जो है वो सिंगुलर है और हैव जो है वो प्लुरल है, तो भर क्या होगा, प्लुरल होगा, यानी कि मेरा सही ये होगा ये गलत होगा। जबकि यहाँ पे देखना है कि यहाँ ही है, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, जबकि यहाँ को ही नहीं देखना है ना ही यू देखना है। जब दो प्रोनाउन कनेक्ट होता है ना तो उसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो होता है प्लुरल और यहाँ होगा हैव, सही है। ओके, ये हो गया थ्री नंबर रूल नंबर, अभी फोर्थ नंबर देखते हैं। ठीक, सिंगुलर नाउन इज कनेक्टेड विद एंड, दैट नाउन। चलिए देखिए, अभी हम यहाँ पे रूल नंबर थर्ड लिखे, ठीक है, अभी जस्ट अभी इसको समझना क्या है। सो कह रहा है कि इफ टू सिंगुलर नाउन इज कनेक्टेड विद एंड, चलिए मान लेते, देख लेते रूल के साथ देखते, ठीक है, यहाँ लिख दिया बॉय एंड गर्ल, ठीक है, एक एक नाउन ये है और एक ये नाउन, दोनों सिंगुलर नाउन किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, ठीक है, विद एंड। एंड बिफोर दैट, और इसके पहले ईच और एवरी इज यूज्ड विथ नाउन, यानी कि ये नाउन के साथ ईच या फिर एवरी क्या लगा हुआ, जुड़ा हुआ है, तो चलो हम लगा देते इसके पहले ईच और यहाँ पे लगा देते एवरी, ठीक है, हो गया। ईच और एवरी क्या है, यूज है, तो यहाँ पे यूज हो गया, नाउन देन सिंगुलर वर्ब इज यूज। अब बताना है यहाँ पे मेरा हो गया ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है, कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंपल से समझ लेना कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट है और उसके पहले ईच या एवरी लगा हुआ है, ठीक है, उसके पहले ईच या एवरी लगा हुआ और एंड से कनेक्ट है, तो वो जो नाउन होता है, वो जो वर्ब जो लेता है, वो क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे मान लेते हैं, लिख देते हैं क्या, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज या आर लेट, यानी कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की लेट है, तो ईच हो गया आर, तो रूल क्या कहता है कि सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर इसमें कौन है, इज है या आर है, वहां पे है इज ना कि आर, समझ आ रहा है। उसके बाद है ईच मैन एंड
ओमेन वांट या वांट्स टू हेल्प यू। क्या ईच मैन एंड ओमेन यानी कि ईच जो है ये दोनों के साथ है, ईच मैन एंड ओमेन ईच ओमेन यानी कि प्रत्येक मैन और ओमेन जो है वो तुमको हेल्प करना चाहते हैं। तो ये दोनों ईच से कनेक्ट है एंड से कनेक्ट है, ईच लगा हुआ है तो ये प्लुरल नहीं होगा सिंगुलर होगा, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा वांट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का फर्स्ट क्लास में ये चार रूल्स पढ़े हैं। आई होप ये चारों रूल्स आप सबको समझ में आया होगा और ये चारों रूल्स को आप लोग कॉपी में विथ एग्जांपल लिखना है। एक दो वीडियोस के एक दो क्लास के बाद हम बीच में एक प्रैक्टिस करवाएंगे, वहाँ पे समझ में आएगा किसके साथ क्या लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कीप योर स्टडी कंटिन्यू।